हम लोग बोकारो मृत कर्मचारी के आश्रित हैं। हमारे पिता यहीं काम करते करते उनकी मृत्यु हो गई और हम लोग का डीए बेसिक लेके अभी तक प्रबंधन हम लोग के नियोजन के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुई है। आज हम लोग 10 वर्षों से नियोजन मांग रहे हैं, कोई 15 वर्षों से नियोजन मांग रहा है तो आज तक नियोजन प्रबंधन ने दिया नहीं। अभी 4 तारीख को हम लोग को यहाँ पे धरना, हम लोग एडीएम गेट के सामने बैठे हुए थे, उस समय हम लोग को प्रबंधन की तरफ से हम लोग को जेल भी भेजा गया, कैंप जेल भी भेजा गया, वहाँ हम पे लाठियाँ बरसाई गई, हमारी माँ बहन के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद प्रशासन की तरफ से हमें लिखित आश्वासन मिला था कि हमको सीओ से बातचीत कराई जाएगी। फिर हम लोग 7 तारीख को बैठे, 3 दिन देखे, लेकिन उनकी जो लिखित आश्वासन था वो लिखित आश्वासन फेल हो गया। उसके बाद हम लोग फिर धरना पे 7 या 8 तारीख को बैठे, यहाँ पे 8 तारीख को बैठे, जिस दिन बारिश हो रही थी, बारिश में भी माँ बहन बैठी रही, उसी तरह से हम अपने नियोजन की मांग करते रहे, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं आए। उस दिन मजिस्ट्रेट साहब और थाना सिटी थाना इंचार्ज साहब के मीडिया के समक्ष ये कहा गया कि हम लोग त्रिपक्षीय वार्ता कराएंगे। उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता भी कराई गई, लेकिन उसमें भी कोई, हम लोग SDO साहब के सामने त्रिपक्षीय वार्ता कराई गई और उसमें SDO साहब काफ़ी हम लोग के बातों से एग्री हुए कि आप लोग जो कह रहे हैं आप लोग की जायज मांग है। और प्रबंधन की तरफ से आए हुए लोग नकारात्मक लोग आए हुए थे, जिनका हम शुरू दिन से बहिष्कार कर रहे थे वही लोग आए हुए थे, लेकिन उन्हीं से बातचीत हुई, इसलिए उन्होंने टाल मटोल की नीति करते हुए वो त्रिपक्षीय वार्ता को भी फेल कर दिया। इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ पे हमको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है और ये हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको यहाँ से हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, हमारे परिवार के साथ मृत्यु नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं।